जय बजरंग बली। तो गाइस हमारा दूसरा दिन है आज नैनीताल में, डे टू। तो आज हम अपने गेस्ट हाउस से निकल चुके हैं जस्ट अभी अभी, एंड जस्ट हम लोग अभी आगे निकलने वाले हैं। कुछ प्लेसेस भी अभी लोग हम फाइनल कर रहे हैं, तो वो आपको भी दिखाएंगे अब अपनी इस वीडियोज़ में। उससे पहले हमारे साथ एक बहुत बुरा सीन हो गया है, हमारी गाड़ी जो है उसका टायर पंचर हो चुका है, बहुत बुरा वाला, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। हमारा एक होनहार बंदा जब भी अपनी गाड़ी से आए तो एक मैकेनिक को साथ लेके आए, या खुद मैकेनिक बन के आए, अन्य ऐसे गुस्सा आ सकता है जैसे इस टाइम हमारे इस बंदे को आ रहा है। तो बंदा अपनी बड़ी बड़ी मूछों के साथ हंस भी रहा है इस टाइम। सारा पूरा पहाड़ पे ही ये जो सामने आप देख रहे हैं घर बने हुए हैं, ये हमारे होटल की बिल्डिंग, काफ़ी अच्छा इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों एकदम ओके हैं। तो दोस्तों हम लोग आ गए अपनी नैनी झील के पास, तो हम चल रहे हैं इसकी तरफ, तो आपको दिखाते हैं आगे चल के। और ये है हमारे डे टू की स्टार्टिंग, देखते रहिए हमारे साथ, बने रहिए, और अब आपको दिखाएंगे नैनीताल की नज़ारे। ये स्टेडियम है नैनीताल का, तो हम लोग एक ले रहे शॉर्टकट और फिर उसके आगे दिखाएंगे आपको। शॉर्टकट है ये, वो भी स्टेडियम के अंदर, वो देखिए पूरी टीम इंडिया पकड़ी, धोनी देखा गया है पीछे। नैनीताल का मिनी स्टेडियम, यहाँ पर मैच चल रहा है यहाँ की लोकल टीम जो होती है उनका, तो चलते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं 10 सेकंड। अच्छा, नैनीताल में जो पहाड़ी है ना उनका एक अलग ही मजा है, ये देखिए आप, नेचर यहाँ पर भगवान ने भरपूर दिया है, एकदम मजा आ रहा है एकदम। तो भाई अभी चलते हैं वोटिंग के लिए, और ये हमारे भाई मिले हैं, क्या नाम है, चंदन, ये चंदन भाई है, बताया था 2-3 लोगों ने कि चंदन भाई का सबसे अच्छा है, तो हमने इनको ढूंढा और ये हमें मिल गए फाइनली। वोट नंबर क्या है? 56। वोट नंबर 56 है, नाम इनका चंदन है, और नैनी झील के बाद ये लोग ये पाए जाते हैं। तो इनसे अभी रेट वगैरह पूछ लेते हैं कितना है भाई। 160 रुपए में आधा घंटा है, और काफी अच्छा इनका नेचर भी है, और अब देखते हैं आगे और ये किस तरह से हमें राइड करवाते हैं, बाकी तारीफ देख वोटिंग के बाद करें आफ्टर वोटिंग। अरे चंदन भाई से बात हो गई, चंदन भाई ग्राहक काट रहे हैं तुम्हारे। अरे पापड़ करा, पापड़, ये पापड़ ऐसी होटल ले लो नॉर्मल। अबे झील तो गीता कॉलोनी में है। अबे झील से तो तुम आए हो। जाओ। कान। तो अगर आपको कैश पेमेंट करनी है तो यहाँ से हो जाएगी, वरना ऑनलाइन का सेटअप यहाँ वोटिंग में भी है, अभी हम आपको दिखाएंगे आगे। ये चंदन भाई तैयारी कर रहे हैं हमारे सेटअप की। देखे गए चंदन भाई, आराम से भाई, मजे चंदन भाई के पूरे पूरे, पानी में आग लगा दी इन्होंने पूरे। लाइफ जैकेट बहुत जरूरी है, कुछ लोग इसे अवॉइड करते हैं लेकिन नहीं करना चाहिए, ये पहनना चाहिए। तो गाइस स्टार्ट कर दिया है हमने वोटिंग, और आप देख सकते हैं मजा बहुत आ रहा है, जो बात है। और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है ये वोट का। तो 160 रुपए में 15 मिनट बहुत होता है, कोई दिक्कत नहीं है, 15 मिनट भी काफ़ी है, पानी भी तो घूमना है, ज़्यादा देर भी लेके जा रहे हैं, और 15 मिनट बोला है तो एक बार टाइम भी चेक भी कर लेते हैं, हिंदी से हैं तो लगा ही लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे, हम इस टाइम बिल्कुल नैनी झील में हैं। यहाँ का मेन सीजन कब रहता है वैसे?
मई जून में, मतलब सीजन स्टार्ट ही हो गया है। और यहाँ पे लोग कैसे आते हैं, मतलब अक्सर दिल्ली साइड के ही आते हैं? हाँ ज्यादा बाहर के आते हैं, दिल्ली यूपी वाले। तुम यहीं के ही हो? अल्मोड़ा के। अल्मोड़ा में रहते हो? तुम्हें पता है मैं अल्मोड़ा में बहुत दिखा था, पिछली बार आए थे हम, हटा वो बंदा दिखा था मैं, इन्हें गाड़ी चला रहे थे तो इसे क्या हो गया? फोटो, फोटो। इस बंदे को देखो, ये घबराता हुआ, ये हल्का घबराया कि नदी के बीच में लाए कैसी बातें कर रहे हैं। डर देखा गया भाई, और डर सबको लगता है, गला सबका, गला सबका सूखता है भाई। तो चंदन भाई साथ में है, और बताए इन्होंने पहले दिया कि 150 फीट गहरी आ गए। तो भाई ऐसे एक बार जब हम टिहरी गए थे ना, वहाँ भी बड़ा मजा आया था, उसकी वीडियो आपको दिखाएंगे, टिहरी में बहुत एंजॉय हुआ था। बहुत सारा कंटेंट तो हमने रखा हुआ है बचा के, वो कभी डाले ही नहीं, अब डालेंगे, अब शुरू करेंगे सब कुछ। एक गाना था ना हनी सिंह का, ब्लू है पानी, बड़े पानी ब्लू नहीं है, ये ग्रीन है, ये पानी है ग्रीन क्योंकि नीचे है गंदी काई, इसलिए हो गया ग्रीन पानी। चलता हुआ जो बहता हुआ पानी होता है वो ब्लू दिखाई देता है, ये रुका हुआ पानी है ग्रीन दिखाई देता है। व्यू आप देख सकते हैं मेरे पीछे, क्या व्यू आ रहा है इस टाइम पे, और थोड़ा सा मेरे पीछे का भी देखिए, वहां पे भी ये भी देखिए व्यू, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है जो मेन व्यू है, बंदा तो आ रहा है लेकिन मेन हमारा बंदा भी आ रहा है। व्यू यहाँ देखा गया है भाई, ये देखिए गहराई काफी है, लंबाई भी है भाई, काफी बड़ी है ये झील। कितनी बड़ी झील है ये? आई थिंक 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर बड़ी झील, 150 किलोमीटर गहरी, 150 किलोमीटर नहीं, 150 मीटर, 150 मीटर गहरी, किनारे भी है गहरी, किनारा, अच्छा किनारा गहरा है, अब बीच में नहीं है, बीच का पता ही नहीं। तो अच्छा बीच का नहीं पता तुम्हें? पता चलिए कि किनारे पे 150-160 मीटर गहरी है, और बीच की गहराई आज तक कोई नाप ही नहीं पाया, बताओ ये भी एक अलग ही बात है, ये एक सही में अलग बात है। ये नैनी झील में मछली देखी गई है, और ये लोग जो है इनको कुछ आटा वगैरह खिला रहे हैं, ये देखिए मछली ही मछली। और एक कहावत भी है कि भाई मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। लड़ाई हो गई मछलियों में भाई, लड़ाई हो गई मछलियों में भाई, लड़ाई करवा दी तुमने भाई, लड़ाई हो गई क्या डाल दिया, लड़ाई हो गई सारी मछलियों में, ब्रेड ही है ना, पकौड़ा तो नहीं है। थोड़ा पीछे हो तो भाई ट्रिप हो गई है बोटिंग की, अभी भाई ने बोला है कि बैठे रहो, तो बांध रहा है, बांधते हुए दिखाते हैं, बांध रहे हैं, भाई चले गए आ जाओ, अरे बीच में आना होता है, इन्होंने बताया साइड में वेट की वजह से इधर उधर हो जाता है, वही एंड में आ रहा है भाई, हमारे टांगे इधर आओ, चल भाई तो मजा।